ऋषभ उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना है? नहीं, बहुत लेट हो गया है, चलो अभी। हाय फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम ऋषभ है और मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। सभी फेस्टिवल्स में से दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, डिलीशियस मिठाइयाँ खाते हैं और हाँ, साथ साथ हॉलीडेज भी रहते हैं। पर अभी तो मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। मुझे एक ब्रेड और देना, अमाउंट उन्होंने कुछ 1.5 करोड़ रखा है, अभी देखते हैं कितने में पास होता है उनकी तरफ से। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक है। बढ़िया हो क्या बेटा, रेडी हो गया स्कूल के लिए? पापा शाम का फ्री हो गया। क्या बात है बेटा, मेरे को पटाखे लेने जाने हैं। बेटा दिवाली तो 5 दिन दूर है अभी। पर अभी मेरे सारे फ्रेंड्स ले आए, प्लीज चलो ना। अच्छा ठीक है, हम दोनों शाम को चलेंगे। ओके बाय दादाजी। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा, ध्यान से जाना। डुगू, आज है ना मेरे को स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगा। आज दिवाली और पटाखे की याद आई मुझे बहुत। पापा आ गए, मैं जाता हूँ। पापा। हाँ बेटा। क्या हम पटाखे लेने मार्केट चलें? हाँ बेटा चलो, कल देख लेंगे। ये वाले चाहिए? हाँ यही है। ये वाले दो अंकल, और ये वाले, उसमें ये वाले भी दे दो। वो देखो। हाँ ये वाले, और फिर ये अनार, और ये भी दे दो। ये वाले भी अच्छे है ना? चलो ऋषभ बेटा, हरी अप। जी पापा। How can you do this? ये थोड़ी देर का मजा है, लेकिन उसके कारण मेरे कितने पैसे धुआं हो गए। आज तुम जिस लड़के से मिले थे, उसके पास जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें भी नहीं है, और डुग भी बेचारा डर गया। और इन पटाखों के कारण दादाजी को ही तकलीफ हुई। क्या तुम अभी भी ये सब इग्नोर करके इस तरह की मस्ती करना चाहते हो? मैं दादाजी से बात करता हूँ। दादाजी। बोलो बेटा। आज मुझे फटाके चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। क्या हो गया बेटा, क्या बात हो गई? जब मैं मार्केट में फटाके लेने गया, तब मैंने उधर एक बच्चा देखा,
जिसके पास ना ही अच्छे कपड़े थे और ना ही जूते थे, और मैं यहाँ पटाखे में पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी आवाज से डूबो भी डर गया और आपको धुएं से तकलीफ भी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पैसों को वेस्ट करने की बजाय उन्हें अच्छी जगह इस्तेमाल करूँ, तो मुझे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। बेटा मुझे इस विचार पे बहुत गर्व है, और मैं आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट टू सेलिब्रेट दिवाली इन अ डिफरेंट वे। सुनील बेटा, इस बार ऋषभ ने डिसीजन लिया है कि दिवाली को हम डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है, आपको खांसी भी हुई और डॉगी भी डर के भाग गया। क्यों ना हम इस बार ऐसा करें साथी कि अनाथालय चलें और वहाँ बच्चों के साथ दिवाली मनाएं और गिफ्ट केक आदि कपड़े आदि लेके जाएं और उनके साथ मनाएं, तो नई तरीके से ये दिवाली का रहेगा। तो हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हम हमारी दिवाली अलग तरीके से मनाएंगे। क्या आप भी हमारा साथ देंगे?